तकरीबन 40 वर्षों से अवैध रूप में रह रहे झुग्गी वालों को अब प्रशासन उन्हें उखाड़ फेंकने की कवायद में जुट चुका है। ये झुग्गी वाले विगत 40 से 45 वर्षों से लगातार इस भूमि पर अपना कब्जा बनाकर अस्थायी रूप से रह रहे हैं, जो कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पार्सल गेट के आगे दाहिने और बंजारा बस्ती के नाम से आबाद है। उनके इस अवैध अतिक्रमण पर अपना बुलडोजर चलाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मन बना लिया है। इसी के मद्देनजर बुधवार को एसपी सिटी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में सीओ कैंट, एसओ कैंट सहित अन्य अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ इन बंजारा बस्तियों को खाली कराने के लिए पहुंच गए। वहां के निवासियों से बात करते हुए एसपी सिटी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से हट जाने के लिए बोला है और साथ ही हिदायत दी है कि अगर वह नहीं हटते हैं तो आगे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी। आपको बताते चले कि यह बंजारा बस्ती लगभग 40 वर्षों से आबाद है, जो कि सरकारी जमीन पर अपना कब्जा बनाए बैठे है। गोरखपुर न्यूज से इस संबंध में बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा, वहाँ वाला क्या हुआ? लखीमपुर थ्री एंड कंपनी, फोटोकॉपी सब ना करवाए, आधे लोग तो जमा कर दिए थे, आधा साहब थाने के हम लोगों के पास। साहब ने हमको ये बोला था कि हम खुद आके ले जाएंगे। कहाँ तुम गई थी? बुलाया गया हमने, आपने उसने बोला था कि यहीं पे आप फोटोकॉपी सब लोग क्या रखना है, तो हमने आप सत्तर भी रखा सब। आप लोग आने वाले कहाँ थे? यहाँ क्या क्या करते हैं? क्या नाम बताओ? सपा नोट करना, आप वही चौकी बैठे वही आप जैसी लग सकते रोजवाई जो ट्रैक्टर पूरा सब सामान हटा लिया, टाइम दिया था थोड़े दिन पहले तो सब साहब आए थे। अरे भाई साहब आए, साहब भी तो आए थे, साहब भी थे, हम लोग थे। अब ये रहेगा नहीं यहाँ पे, ये रहेगा नहीं, बताइए साहब। छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? खाली जमीन है, हम रहते हैं, जब कुछ बनेगा। अतिक्रमण किए हैं पिछले 40 सालों से, क्या मामला गिरफ्तार है? अतिक्रमण के साथ साथ जो झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, ये कप्तान साहब के निर्देश है, हम लोग उनका सत्यापन करने का काम शुरू कर दिए हैं। और ये मूल रूप से यहाँ रहने वाले हैं, इनका नाम पता नोट करके हम लोग सड़क जिला कर उनके स्थानीय थाने से जाँच भी करवाएंगे कि इनकी बैकग्राउंड क्या है, आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या करते हैं। और साथ साथ जिस विभाग की जमीन कब्जा की उनके सहयोग से हम लोग विस्थापित कराने की भी कोशिश करेंगे। सर किसकी जमीन है? जीडीए की है? संभवतः जीडीए की, मेरी उनसे बात हुई है, जीडीए वाले बताएंगे।